कि सरकार ने बहुत बड़ी राशि अभी तक खर्ची नहीं करी है, जो कि लगभग 40% के लगभग है जो राशि अभी तक शेष है इसी करंट वित्तीय वर्ष की, वो राशि खर्च नहीं की गई है। इस पर सारे बीजेपी के नेता मुझे टोक रहे थे। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे फिगर अपने भाषण में बता दीजिएगा। जब माननीय वित्त मंत्री जी, जो हमारे डिप्यूटी CM भी हैं, जब वो अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने खुद अपने भाषण में पटल पर यह स्वीकार किया कि 36% बजट अभी खर्च होना शेष है। मैं आपको एक मोटे अनुमान से बता दूं, जो 36% है वो लगभग जितना ये अनुपूरक बजट ला रहे हैं, 28,000 करोड़ के समथिंग ला रहे हैं, उसका 5 गुना अभी बकाया है। तो जब आपके पास 5 गुना राशि है उधार ली हुई खर्च करने के लिए शेष है, तो आप अनुपूरक बजट ला क्यों रहे हैं? मैंने ये भी पूछा, उसका कोई उत्तर नहीं था। फिर मैंने ये पूछा, चलो आप बजट कर्ज ले रहे हैं, कर्ज को चुकाने की कोई योजना है तो वो बताइए, इसको रीपे कैसे करोगे? उसकी कोई योजना नहीं थी, कोई उत्तर नहीं दिया। कुल मिलाकर के पूरी सरकार की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, कोई बैकबोन नहीं है, सिर्फ कर्ज लेने की कसम खा रखी है। अनाप शनाप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर ये लोगों को कर्ज लेना है, और उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि उसको क्षेत्र में कैसे लगाना है, प्रदेश का कैसे विकास करना है। और पूरा का पूरा जो बजट था वो सिर्फ मालवा उज्जैन तरफ फोकस था। तो क्या नया मालवा प्रदेश बनाने की भी योजना है? ये मध्य प्रदेश का बजट है या मालवा प्रदेश का, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, जो विधायक चुनकर कांग्रेस से आए हैं और जो बीजेपी से आए हैं, दोनों के बीच में एक भेदभाव का महसूस हुआ हम लोगों के, हमारे विधायकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कारण यह है कि कांग्रेस के विधायकों से क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव नहीं लिए जा रहे, वहीं जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे करीब 15-15 करोड़ के क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। तो भाई, विधायक तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आया है। अगर जहाँ कहीं कांग्रेस का विधायक है तो उनका ही विशेष अधिकार है, ये उनका सम्मान रखना चाहिए कि विधायक के अनुसार वहाँ कार्य होना चाहिए, तो ये भेदभाव नहीं चलेगा। और यदि आसंदी संरक्षण नहीं देती है तो हम इसमें विशेष अधिकार का प्रश्न या पटल पे विशेष अधिकार हनन का मामला लेकर के आएंगे।